नमस्ते, बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल पर। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी रेस, फिर रेस वन रेस टू आई। सलमान खान महोदय, सलमान खान सुपरस्टार सलमान खान, और उससे पहले सैफ अली खान रेस में देख चुके हैं। और रेस नाम की फिल्म इस समय भोजपुरी सिनेमा में भी बन रही है, और इसमें जो दो वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम वेरी मॉचो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें पहले हैं सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी, और दूसरे हैं विक्रांत सिंह राजपूत। ये दोनों इस फिल्म के हीरो हैं, जबकि हीरोइन है निधि झा। इस फिल्म की शूटिंग इस समय देहरादून में चल रही है, और चंदन उपाध्याय जो है इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि सेट से रोजाना ही अपडेट्स, वीडियोस, रील्स भी वायरल किए जाते हैं। अरविंद अकेला कल्लू के इंस्टाग्राम पेज पर कुछ देर पहले गए थे, वहां देखा विक्रांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने बहुत ही मस्ती करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। दूसरे विंडो में आप इस वीडियो को देखें किस तरीके से दोनों भाई मजा कर रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है बलुआ। इस तरह के फनी वीडियोज अक्सर ही अरविंद अकेला कल्लू जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। विक्रांत सिंह राजपूत बहुत ही हैवी पर्सनालिटी है। हाल ही में उन्हें हमने अवधेश मिश्रा जी की फिल्म अजनबी की शूटिंग खत्म करते हुए देखी, और उसके बाद अब इस समय देहरादून में हैं, और इस फिल्म की शूटिंग अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ कर रहे हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ देहरादून में शूटिंग, जी हाँ, फिल्म का नाम है रेस। कहानी भी आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी दरअसल इस फिल्म की ऐसी है कि ये दो भाई हैं। फिल्म में दोनों भाई होते हैं, और बहुत कॉमेडी भी होती है, रोमांस भी होता है, और बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन्स भी हैं। लेकिन फिर अचानक माहौल इस तरीके से बिगड़ जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को पिछाड़ने में लग जाते हैं कि दोनों में लग जाती है रेस, और कौन आता है पहला, कौन आता है दूसरा, कौन जीतता है इस रेस में, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक कॉमेडी के साथ एक एक्शन, एक फैमिली ड्रामा, और दो भाइयों की आपसी तनातनी किस तरीके से होती है, ये पूरी की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश भोजपुरी फिल्म रेस में की जा रही है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, इन बातों का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।